गौरण साक्षी ब्लॉग पर दोस्तों सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हाजिर हैं आपके लिए यमुनोत्री धाम की दूसरी वीडियो लेकर। तो ये चार धाम की यात्रा में यमुनोत्री मेन धाम यहां से यात्रा शुरू की जाती है। तो हमने पहली वीडियो में यात्रा छोड़ी थी भैरवनाथ के मंदिर तक। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो हल्की हल्की बरसात होने लगी, मौसम सुहावना हो गया, तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह है। यात्रा के साथ साथ आपको मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कथा भी सुनाएंगे। बुजुर्ग बच्चे सभी जय माता की करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। दुर्गम रास्ता, लेकिन श्रद्धा भावना के आगे सब कुछ झुक जाता है। अगर कोई हेल्थ इशू ना हो या उम्र की कोई प्रॉब्लम ना हो तो घोड़ों से अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ये सुविधा बुजुर्ग लोगों के लिए या रोगियों के लिए ही होनी चाहिए। जवान लोगों को तो पैदल ही यात्रा करनी चाहिए, जितना हो सके यात्रा का, पैदल करने का जो महत्व है वो घोड़ों और दूसरे साधनों से करने से कहीं ज़्यादा है। तो पैदल यात्रा को बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए जैसे कि पहले ही बताया कि सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और पहले से अपने आप को तैयार करना चाहिए। टेढ़े मेढ़े खूबसूरत रास्तों से वादियों से होते हुए अब हम मंदिर के लगभग करीब ही पहुंचने वाले हैं। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में यदि बात करें तो इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल के राजा सुदर्शन ने करवाया और एक प्राकृतिक आपदा के कारण ये मंदिर ध्वस्त हो गया और इसका फिर पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19 शताब्दी में फिर से करवाया। छः किलोमीटर का ट्रैक ये बहुत ही खूबसूरत वादियों में बना हुआ ट्रैक है। थोड़ी सी चढ़ाई सीधी है, सांस फूलती है, टांगों में भी थोड़ी सी दर्द महसूस होने लग जाता है, लेकिन सभी श्रद्धालु यमुना माता के जयकारे लगाते हुए रुक रुक कर आगे बढ़ते रहते हैं और सुंदर सुंदर नज़ारों और पहाड़ों के बीच से बने रास्ते को देखकर निहार कर अपनी थकान भूल जाते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। नहीं है नहीं मिला दे, इतने ज्यादा ठंडा रहता हुआ सारिया ते काई जी जमनी जी। जय माता दी। ये पुराना पैदल मार्ग बोलो यमुना मैया की जय। हमने 7:15 बजे अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी और अब देखिए टाइम 10:21 हुए हैं और हमने अपनी यात्रा खत्म कर ली है। अब आगे देखते हैं मंदिर जाने की क्या व्यवस्था है। वो सामने मंदिर दिखाई देना शुरू हो गया। क्या है? ये कैसे दिए? आके देते हैं। ये अप डाउन रास्ता आ गया है थोड़ा नीचे का, पर पहाड़ों से पानी टपकता हुआ। आ
तो बोलिए यमुना मैया की जय हो, जय यमुना मैया। सामने मंदिर का दृश्य, आइए हम अब आपको यहाँ की मार्केट दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। खाने पीने का पूरी व्यवस्था है, तो आइए चलते हैं यमुनोत्री धाम की ओर इस खूबसूरत बाजार के बीच में से। खाते हैं, बहुत अच्छी चीज है सारी। गरम है जलेबी, आके खाएंगे, चाय भी पिएंगे। ये क्या है? नारियल का लड्डू, सब लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये लड्डू। उत्तराखंड की मिठाइयां वाकई ही बहुत ही खूबसूरत और स्वादिष्ट होती है, तो ये प्रसाद की साथ में दुकानी। तो आप सभी भी मेरे साथ दर्शन कीजिए यमुनोत्री धाम के, जहाँ से यमुना नदी का ये उद्गम स्थान है, यहाँ से यमुना निकलती है। कैसे लोगों के कपड़े पानी में बहते जा रहे हैं, गंदगी का कारण बनती है ऐसी चीजें, लोगों को ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। तो अब स्नान कर बता देंगे। जय यमुना मैया, जय हो, जय हो यमुनोत्री धाम, जय हो यमुनोत्री धाम, जय हो। तो यहाँ पर सूर्य कुंड है, यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पर पहले स्नान किया जाता है, स्नान करके फिर यमुनोत्री माता के दर्शन किए जाते हैं, यमुना माता के दर्शन किए जाते हैं। तो पहले स्नान करते हैं, गर्म पानी के कुंड सूर्य कुंड में यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले स्नान किया जाता है। लेडीज़ के लिए भी अलग जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर सूर्य कुंड में स्नान करके सारी थकावट दूर हो जाती है, पापों का नाश हो जाता है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। यमुना मैया के पिता सूर्य और सूर्य कुंड में स्नान करके उनको जल अर्पित करने के बाद होती है यहाँ पूजा और फिर दर्शन करवाए जाते हैं। यहाँ पर पंडित बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनसे बात करके फिर पूजा शुरू करवानी चाहिए। पूजा के बाद सामग्री की थाली लेकर दर्शन के लिए चलते हैं। चावल देखो, यहाँ पर चावल उबलने के लिए दिए जाते हैं पोटली में, और वो घर के लिए प्रसाद उनका लेकर जाया जाता है। तो दर्शन कीजिए यमुनोत्री मंदिर के। तो इसकी कथा की यदि बात करें तो ये ऋषि असिति की जन्मस्थली है। तो यहाँ पर ऋषि असिति ने बहुत ही वर्ष तप किया, तो जब वह बूढ़े हो गए, जब वह निर्बल हो गए और कलिंदी पर्वत पर सप्तकुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा सके, असहाय हो गए, तभी यमुना माता उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी कुटिया से बहने लगी और यहाँ का नाम यमुनोत्री धाम पड़ गया। यमुना जी सूर्य देव की पुत्री है और यम की बहन है यमुना माता।
तो आप भी सभी व्यूअर हमारे साथ मिलकर यमुना माता इस पवित्र स्थान उत्तराखंड के चार धामों में से एक मुख्य धाम यमुनोत्री धाम माता यमुना के दर्शन करें और पुण्य की प्राप्ति करें। तो यहाँ पर आकर एक अलग प्रकार सी ऊर्जा का अनुभव होता है। तो यमुना मैया सभी को ढेर सारी खुशियाँ अपने आशीर्वाद के रूप में सभी को बख्शे। तो बोलिए यमुना माता की जय हो, यमुना मैया की जय हो। तो श्रद्धालुगण लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं एक झलक यमुना माता की पाने के लिए। और साथ में यहाँ कई छोटे छोटे और भी मंदिर बने हुए हैं, द्रौपदी कुंड भी बना हुआ है, यहाँ से पानी गर्म बहता रहता है, हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है। बहुत ही रमणीक स्थान है। अप्रैल के महीने में यमुनोत्री धाम के किवाड़ खुलते हैं और लगभग ये सितंबर तक खुला रहता है दर्शनों के लिए। जय हो यमुना मैया दुख निवारणी। तो आखिर 3 घंटे की चढ़ाई करने के बाद हमने गर्म कुंड में स्नान करके यमुना माता को माथा टेक लिया। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, रश तो काफ़ी था। अब हम अपनी वापसी की जो यात्रा है वो शुरू करने लगे हैं। बारिश होनी शुरू हो गई है, तो इसके साथ ही आपको हमारी ये पूरी यात्रा कैसी लगी कमेंट्स में व्यूज जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। पारिवारिक धार्मिक ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल गौरवण साक्षी ब्लॉग को कर दें सब्सक्राइब, बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय यमुनोत्री माता, जय यमुने माँ।